हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, जनरेटर रोटर एट फॉल्ट प्रोटेक्शन। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। हमको जनरेटर रोटर एट फॉल्ट प्रोटेक्शन का बारे में समझने के लिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग जो जनरेटर का जो एक्साइटेशन सिस्टम है, हम लोग ब्रशलेस एक्साइटेशन देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मोस्टली हमारे इंडस्ट्रीज में ब्रशलेस एक्साइटेशन रहते हैं। इसका एक बार ओवरव्यू समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मोस्टली हमारा इंडस्ट्रीज में हमारा जनरेटर से है, ये हमारा मेन जनरेटर है फ्रेंड्स, ये इसकी स्टेटर है और इसका रोटर है। और इसी जनरेटर का शाफ्ट में एक हमारा परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर रहते हैं। इसकी जो रोटर में परमानेंट मैग्नेट्स रहते हैं, और जैसे हमारा जनरेटर रोटेट होता है प्राइम मूवर से, उसी की वजह से जो हमारा परमानेंट मैग्नेट रोटर, ये भी रोटेट होते हैं, उसकी वजह से हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का वजह से हमारा यहाँ हमको वोल्टेज इंड्यूस होते हैं, थ्री फेज वोल्टेज। इस थ्री फेज वोल्टेज हमारा AVR में जाता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर में। AVR हमको उस AC वोल्टेज से हमको DC कन्वर्ट करके हमको DC देते हैं। हमारा कंट्रोल DC वोल्टेज है, डिपेंड्स ऑन हमारा जो जनरेटर का हमारा जो मेन थ्री फेज सप्लाई वोल्टेज है, उसकी बेसिस में इसको कंट्रोल करने के लिए हमको कंट्रोल्ड वोल्टेज देते हैं प्रोपोर्शनल टू इसकी बेसिस में। सो उस वोल्टेज हम लोग एक हमारा एक्साइटर में देते हैं फ्रेंड्स, उस एक्साइटर का स्टेटर वाइंडिंग में देते हैं DC वोल्टेज। और उस स्टेटर वाइंडिंग में हमको जो DC वोल्टेज की वजह से जो हमारा फ्लक्स बन रहे हैं, उसको हमको रोटेटिंग फ्लक्स की वजह से, हमको ये फ्लक्स की वजह से, फ्लक्स कटिंग की वजह से इस रोटर में हमको AC एक्साइटर का रोटर में हमको AC वोल्टेज इंड्यूस होगा। उसको हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, रोटेटिंग रेक्टिफायर का डायोड्स का थ्रू शाफ्ट का अंदर से, हमको कोई भी यहाँ ब्रशेस नहीं रहते हैं फ्रेंड्स, रोटेटिंग रेक्टिफायर रहते हैं उसकी अंदर से, हमको शाफ्ट का अंदर से हमको केबल दे कर हमारा डायरेक्ट शाफ्ट का अंदर से हम लोग यहाँ केबल को बाहर लाकर हम लोग इसी फील्ड वाइंडिंग में हमने कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे हम लोग फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं। जैसे मैं आपको बताया था, जैसे AC एक्साइटर में हमको जो इसका AC एक्साइटर का जो स्टेटर में हम लोग को DAVR या AVR से हमको सप्लाई मिल रहे हैं, और उसकी फ्लक्स की वजह से हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से जो हमारा AC एक्साइटर का रोटर में हमको वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं, वही हमारा, ये हमारा रोटेटिंग रेक्टिफायर डायोड है, क्योंकि ये भी हमारा शाफ्ट में ही रहते हैं, हमारा शाफ्ट का स्पीड में ही शाफ्ट में माउंट होता है, इसीलिए इसको रोटेटिंग रेक्टिफायर बोलते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू शाफ्ट है या नहीं, ये तो रोटर है, ये हमारा स्टेशनरी है, लेकिन अगर स्टेटर से देखा जाए तो ये हमको जो रोटर का स्पीड में ये रोटेट हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन ये माउंट होते हैं, हमारा रोटर पे माउंट होते हैं, इसीलिए हमको इसको रोटेटिंग रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये पूरा असेंबली हमको रोटर में माउंट होते हैं। सो इसका रोटेटिंग रेक्टिफायर डायोड का थ्रू हम लोग DC कन्वर्ट करते हैं, और उस DC को हम लोग इसका जनरेटर का रोटर में देते हैं फ्रेंड्स, हमारा फील्ड वाइंडिंग में देते हैं जनरेटर का। अब यहाँ देखेगा तो फ्रेंड्स, हमारा जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग सर्क्यूट में कहीं पे भी आपको ग्राउंड नहीं है फ्रेंड्स, ये इसको बोलते हैं हम लोग अनग्राउंडेड सिस्टम है। इसमें कोई भी इंटेंशनल ग्राउंडेड भी नहीं है हमारा सिस्टम, और पूरा अनग्राउंडेड सिस्टम है। इसीलिए आपको कभी भी आपको कोई एक फर्स्ट अर्थ फॉल्ट भी हुआ आपको, इनकेस आपका रोटर का आपको फर्स्ट अर्थ फॉल्ट हुआ फील्ड वाइंडिंग का रोटर का, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपका इसका वोल्टेज प्रोफाइल चेंज हो जाएगा। पहले अगर आप देखेगा तो वोल्टेज प्रोफाइल, जैसे इसका वोल्टेज प्रोफाइल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंज होगा, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर नॉर्मल टाइम पर आप कोई एक मल्टीमीटर से आपको, अगर अनग्राउंडेड सिस्टम में अगर आप इसमें वोल्टेज देखेगा तो आपको कुछ भी वोल्टेज दिखते हैं फ्रेंड्स, आपको कोई भी वोल्टेज नहीं दिखते हैं, क्योंकि ग्राउंड इज़ नॉट रेफरेंस है इसका। अगर इसका वोल्टेज मेजर करना है तो आपको इसका नेगेटिव को रेफरेंस मानकर इसका वोल्टेज मेजर करना है, क्योंकि इसमें वोल्टेज का कोई रोल ही नहीं है। इसीलिए आपको, जैसे आपको इसमें कोई भी सिंगल एथ फॉल्ट हुआ तो, फॉर एग्जांपल इसका मिडिल पॉइंट में एथ फॉल्ट हुआ तो आपको अगर वोल्टेज मेजर करेगा तो इसमें आधा आधा वोल्टेज मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर इसमें 100 वोल्ट का फील्ड वाइंडिंग है तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पॉजिटिव में +50 वोल्ट मिलते हैं, और नेगेटिव में -50 वोल्ट मिलते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ, इसका वोल्टेज प्रोफाइल जो हमको मेजर कर रहे हैं वही चेंज होगा फर्स्ट अर्थ फॉल्ट में, रोटर अर्थ फॉल्ट में। लेकिन आपको अगर इसमें सेकंड रोटर अर्थ फॉल्ट हुआ है फ्रेंड्स, तब आपको बहुत पार्ट ऑफ द फील्ड वाइंडिंग आपको शॉर्ट हो जाएगा, इसकी वजह से आपको जनरेटर में बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको जनरेटर का रोटर में फील्ड है हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, अभी कुछ पोर्शन ऑफ द फील्ड में आपको
फील्ड है और फील्ड का फ्लक्स है और कुछ पोर्शन में बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, आपको जनरेटर में आपको बहुत ही वाइब्रेशन बढ़ जाएगा रोटर में। और दूसरा चीज़ है, हमारा जनरेटर का रोटर देखेगा तो फ्रेंड्स, इसका रोटर है बेसिकली हमको अनलैमिनेटेड है फ्रेंड्स, लैमिनेट नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा सारे सिंक्रनस जनरेटर्स हैं। सिंक्रनस जनरेटर्स में हमारा जो रोटर है सॉलिड बॉडी रहता है फ्रेंड्स, इसका कोई लैमिनेशन नहीं रहते हैं, क्योंकि इसमें सिंक्रनस मशीन में हमेशा ये हमारा रोटर है सिंक्रनस स्पीड में घूमते हैं चाहे स्टेटर का साथ, स्टेटर का जो रोटेटिंग फ्लक्स का साथ। इसकी वजह से जो हमारा रिलेटिव स्पीड नहीं है, इसकी वजह से नॉर्मल कंडीशन पे सिंक्रनस जनरेटर में जो हमारा रोटर में कोई भी इंड्यूस्ड एसी वोल्टेज नहीं रहता है फ्रेंड्स, कोई भी इंड्यूस्ड एसी वोल्टेज नहीं रहता है। इसकी वजह से आपको रोटर में आपको जो रोटर कोर लॉसेस है, रोटर में जो लॉसेस है नहीं रहते हैं, इट इज़ नॉट द कंसिडरेशन। इसीलिए आपको सारे जनरेटर्स है सिंक्रनस जनरेटर्स से आपका रोटर है सॉलिडली, आपको कोई भी लैमिनेशन नहीं रहते हैं फ्रेंड्स, ये सॉलिडली हमारा आयरन कोर रहते हैं, इसी के ऊपर हमारा फील्ड वाइंडिंग रहते हैं। और कुछ अगर सिंक्रनस मोटर्स है तो उसमें आपको स्टार्टिंग एनेबल करने के लिए हमारा डैम्पर वाइंडिंग रहते हैं, हमारा जनरेटर में भी डैम्पर वाइंडिंग रहते हैं, हमको स्टेबिलिटी के लिए रहते हैं। लेकिन आपको कोर का देखेगा तो फ्रेंड्स, कोर इज़ प्योरली सॉलिड, सॉलिड कोर है फ्रेंड्स, सॉलिड आयरन कोर है, कोई भी लैमिनेशन नहीं रहते हैं। तो अगर इन केस आपको कोई भी ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ है तो आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, उसकी वजह से वो सॉलिड कोर है। आपको नॉर्मल लैमिनेटेड कोर में एटलीस्ट रेजिस्टेंस लिमिटेड है, लेकिन सॉलिड कोर में बहुत ही कम रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से हाई स्क्वायर आती है और इसका थर्मोडायनेमिक फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, उसकी वजह से स्टेटर रोटर इसका जनरेटर का रोटर को बहुत ही नुकसान पहुँचेगा। इसीलिए आपको जनरेटर का रोटर एथफॉल्ट का बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको कभी भी फर्स्ट रोटर एथफॉल्ट ही होते हैं उसी केस में आपको अलार्म पे आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं तो कराना है। अगर लेकिन इनके सेकंड रोटर एथफॉल्ट हुआ तो इसको क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जनरेटर, हमको समझ में आ गया जनरेटर में आपको रोटर में या फील्ड वाइंडिंग या रोटर में इसको एर्थफॉल्ट का प्रोटेक्शन देना, फील्ड वाइंडिंग को या रोटर को एर्थफॉल्ट प्रोटेक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इसको कैसे हम एर्थफॉल्ट प्रोटेक्शन देंगे फ्रेंड्स, तो हमको जनरेटर में हमको ये बहुत सारे तरीका है, इससे हमको जनरेटर का रोटर को एथफॉल्ट प्रोटेक्शन देते हैं फ्रेंड्स। ये आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज में आप विजिट किया तो आपको अलग अलग मेथड दिखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको टूल एम्प मेथड है, मैनुअल मेथड है। नेक्स्ट हमारा डीसी करंट ले विथ सीरीज ब्रिज है, जिसमें हमको दो मेथड्स है, एक हमारा टू स्टेज मेथड में रजिस्टर बैलेंस है और दूसरा विथ नॉन लीनियर रजिस्टर है। तीसरा हमारा एसी इंजेक्शन मेथड है फ्रेंड्स, चौथा हमारा डीसी इंजेक्शन मेथड है और नेक्स्ट वाला फ्रेंड्स हमारा मोस्ट एडवांस्ड रोटर एथफॉल्ट प्रोटेक्शन मेथड है, वो हमारा आईआर मॉनिटरिंग बाय न्यूमेरिकल रिले के थ्रू हमने आईआर मॉनिटरिंग करते हैं। तो एक एक मेथड के बारे में हम इन डिटेल हम समझ लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और जो रोटर एथफॉल्ट का इसका ANSI कोड है फ्रेंड्स, 64FA फ्रेंड्स इसका ANSI कोड है। तो एक एक मेथड हम लोग समझ लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा डीसी हमारा टूल एम्प मेथड है। टूल एम्प मेथड में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमने दो ब्रश लेते हैं, हमारा स्टेटर का फील्ड वाइंडिंग का जो इसका है, इसका वाइंडिंग से ही हमारा दो ब्रश से हमको टैप करते हैं। एक्चुअली ये टैप ब्रशेस कहाँ रहते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ देखेंगे तो फ्रेंड यहाँ आपको जहाँ हमारा जनरेटर में इसमें फील्ड वाइंडिंग जाता है फ्रेंड्स, फील्ड वाइंडिंग यहाँ आपको टेस्टिंग के लिए और जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग को टेस्टिंग के लिए और मल्टीपर्पज़ है बेस के लिए हमको ब्रश की प्रोवाइड करने के लिए हमारा जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग का दो, यहाँ पॉजिटिव का या और दूसरा इसका दूसरा टर्मिनल नेगेटिव का एक हमारा बस बार या हमारा बस रिंग देते हैं फ्रेंड्स इसी शाफ्ट में, और ये दोनों आपस में आइसोलेट रहते हैं और हमारा फील्ड वाइंडिंग है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल का, यहाँ हमको एक हमारा बस बार जैसे देते हैं इसी का रोटर पे और हमको इसी के थ्रू हम लोग ब्रश या कोई भी ब्रश आपको रोटर एथफॉल्ट प्रोटेक्शन करने के लिए आपको ब्रश आपको यहाँ लगाते हैं फ्रेंड्स। फिजिकली आपको जनरेटर में फिजिकली आप देखेगा तो ऐसे रहते हैं फ्रेंड, इसकी थ्रू ही आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई भी रोटेटिंग वाइंडिंग में आप ब्रश लगाना इज़ मुश्किल है। इसीलिए आपको कोई भी एक बस बार जैसे आपको बनाना पड़ेगा, इसी के हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग बोलते हैं फ्रेंड्स, रिंग कनेक्शन है इसी हम लोग स्प्लिट रिंग बोलते हैं। हमारा पहले हमारा फील्ड वाइंडिंग आकर एक स्प्लिट रिंग में कनेक्ट होगा पॉजिटिव, और दूसरे भी हमारा नेगेटिव आकर एक और स्प्लिट रिंग में कनेक्ट होगा, वो रिंग का ऊपर हमारा ब्रश लगेगा फ्रेंड्स। कोई भी जनरेटर में आपको जहाँ आपको स्प्लिट रिंग और ब्रश का कॉन्फिग्रेशन रहता है वहाँ स्प्लिट रिंग रहेगा, इसका ऊपर ब्रश रहेगा,
अदरवाइज आपको कोई भी रोटेटिंग वायर को आप ब्रश लगाएगा तो वो वायर जैसे घूमेगा आपको इसका कनेक्शन टूट जाएगा फिर। तो इसीलिए स्लिपरिंग का बहुत ही ज़रूरी है। तो आप यहाँ क्या करते हैं, हम लोग दो स्लिपरिंग्स रहते हैं, वो स्लिपरिंग का ऊपर हमारा ब्रश रहते हैं, हमारा ब्रश से, और ब्रश से हमारा वायरिंग करते हैं एक लैंप में और इसका दोनों लैंप में ऐसे वायरिंग करते हैं, और इसका सेंटर पॉइंट को हम लोग ग्राउंड करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सेंटर पॉइंट को हम लोग ग्राउंड करते हैं। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें आप देखेगा तो हमेशा फील्ड वाइंडिंग का जो वोल्टेज है इसका आधा आधा वोल्टेज इसमें मिलते हैं, और लैंप हमारा एसी और डीसी में दोनों में ऑपरेट हो सकते हैं फ्रेंड्स, इनकैंडेसेंट लैंप पे, क्योंकि सिंपल रेसिस्टिव लोड है। तो आपको इसकी वजह से आपको क्या होगा, लैम्प पे हमेशा आपको ब्राइट दिखते हैं फ्रेंड्स। लैम्प, ये लैम्प देखेगा तो आपको हमेशा आपको दोनों लैम्प ब्राइट दिखते हैं और इक्वली दिखते हैं, इसका ग्लोइंग, इसका ग्लोइंग इक्वली दिखते हैं। ठीक है, इनकेस हमारा फॉल्ट है फ्रेंड्स, इनकेस हमारा फॉल्ट है इसका टर्मिनल का एंडिंग में, इस साइड या इस साइड हुआ, लाइक हमको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ आपको टर्मिनल एंडिंग में हुआ, तब क्या होगा, हमको सिर्फ यही लैम्प आपको दिखेगा ग्लो, ये लैम्प बिल्कुल डार्क हो जाएगा, मतलब ग्लो ही नहीं होगा, तब आप समझ सकते इसमें रोटर अर्थ फॉल्ट है और इसका वाइंडिंग का एंडिंग में रोटर अर्थ फॉल्ट है, इस टूवर्ड्स इस लैम्प का जो वाइंडिंग है इसका एंडिंग में रोटर अर्थ फॉल्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको अदर लैम्प मतलब ग्लोइंग होता ही नहीं है। नेक्स्ट एक फ्रेंड्स, अगर आपको इन बिटवीन कहीं पे भी हुआ, ठीक है, तब अगर आपको यहाँ हुआ था इन बिटवीन वाइंडिंग में, तब आपको क्या होगा, ये लैम्प है, ये लैम्प आपको ज़्यादा ब्राइटनेस से जलेगा और ये लैम्प बहुत ही कम ब्राइटनेस में जलेगा, तब भी आप समझ सकते हैं इसमें आपको रोटर अर्थ फॉल्ट है। जब आपको दोनों लैम्प इक्वली ब्राइटनेस जलेगा तभी आप समझ सकते हैं इसमें अर्थ फॉल्ट नहीं है, अदरवाइज आपको अर्थ फॉल्ट है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन इसमें एक ब्लाइंड है मेथड, ब्लाइंड है फ्रेंड, अगर इनकेस हमारा रोटर अर्थ फॉल्ट बीच में हुआ, क्योंकि यहाँ भी आपको सेंटर से ही मेजर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ आपको बीच में हुआ, इनकेस यहाँ आपको रोटर वाइंडिंग में आपको बीच में अगर अर्थ फॉल्ट हुआ, तब आपको क्या होगा, इसमें भी आपको इक्वल वोल्टेज, इस लैम्प में भी आपको उतना ही वोल्टेज मिलेगा, इस लैम्प में ही आपको इतना ही वोल्टेज मिलेगा। तो आपको क्या होगा, इसमें आपको इसको बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड जोन है फ्रेंड्स, क्योंकि आप उस केस में आपको दोनों लैंप इक्वली ब्राइट होगा, इवन आपका अर्थ फॉल्ट है, तब भी आपको इस मेथड से आपको रोटर अर्थ फॉल्ट को आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इसमें दूसरा डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स, ये हमारा मैनुअल मेथड है, आपको मैनुअली कोई ऑपरेटर है उसको देख कर ही आपको बताना पड़ेगा, वो मैन ऑपरेटर का भी इसका जो टॉलरेंस है, क्योंकि आपको इसको इक्वली ब्राइट हो रहे नहीं हो रहे देख रहे हैं, अगर ये अर्थ फॉल्ट आपको इस साइड या इस साइड प्लस आर माइनस 10% 20%, ये डिपेंड्स ऑन ऑपरेटर का ऑब्जर्वेशन का बेसिस में डिपेंड होते हैं, वो कितना ब्राइट हो रहे हैं, उसमें भी आपको एरर हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये 10% या 20% इस साइड उस साइड हुआ, तब भी आपको जो ब्राइटनेस कम हो रहा था एक का और दूसरे का ब्राइटनेस ज़्यादा हो रहे हैं, उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल रहता है ऑपरेटर को। तो आपको हमेशा ध्यान रह लीजिए, इसको 20% का ऊपर या 15% का ऊपर ही इसका अर्थ फॉल्ट को पकड़ सकते हैं, वो भी इसका जो ऑपरेटर का जो आंख का सेंसिटिविटी का बेसिस में डिपेंड करते हैं, उसके एक्सपीरियंस का बेसिस में डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली एक हमारा ऑपरेटर का डिपेंडेंट है और मैनुअल इंटरवेंशन है, और इसमें फॉल्ट का जो इम्पिडेंस का बेसिस में भी डिपेंड करते हैं, अगर फॉल्ट इम्पिडेंस है, अगर सॉलिडली ग्राउंडेड है तो ये सारे मेथड एप्लीकेबल है, अगर सॉलिडली ग्राउंडेड नहीं है तो तब भी आपको इसका जो ब्राइटनेस है उसको पकड़ना मुश्किल रहता है फ्रेंड्स। तो इसको जहाँ आपको बहुत ही मतलब कम रेटिंग का जनरेटर है और वहाँ बहुत ही ये नहीं है, मतलब तब आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये मेथड है थोड़ा डिसएडवांटेजेस है फ्रेंड्स इसमें, मतलब ऑपरेटर डिपेंडेंट है, ऑटोमेटिक मेथड नहीं है। तो इसीलिए हमारा नेक्स्ट मेथड है फ्रेंड्स, हम लोग टू स्टेज मेथड है बाय रेसिस्टर बैलेंसिंग है। इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, वही हम लोग स्प्लिटरिंग यूज़ करते हैं और ब्रश लेते हैं, और ब्रश को सबसे पहले एक हमारा पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हैं, और पोटेंशियोमीटर को वेरिएबल टर्मिनल है, ठीक है फ्रेंड्स, वेरिएबल टर्मिनल जैसे ही टैप कर दिया तो फ्रेंड्स आप यहाँ एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया फ्रेंड्स। ठीक है, जब अगर रोटर अर्थ फॉल्ट हुआ है तो, ठीक है, रोटर अर्थ फॉल्ट कहीं पर भी हुआ है तो एक हमारा एक आर्म हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज इसका हो गया, एक इस ये रेजिस्टेंस हमारा दूसरा ब्रिज हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो जाता है कभी भी अर्थ फॉल्ट हुआ है तो। ठीक है, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस है तो इसके बीच में करंट जीरो रहते हैं, आपको पता ही है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट सबसे पहले हमेशा आपको
इस मेथड में आपको हमेशा ये हमारा इनिशियली आपको पोजीशन वन में रहते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेज रोटर अथॉरिटी है, ये हमारा ओवर वोल्टेज सिंपल एक रिले रहते हैं। अगर कभी भी नॉर्मल कंडीशन पे इसमें बिल्कुल वोल्टेज नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक ही साइड इसका ग्राउंडेड है, दूसरे साइड इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है, तो इसका फ्लोटिंग पोटेंशियल रहते हैं, तो इस रिले आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आपको कभी भी आपको अर्थ फॉल्ट हुआ है फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेज रोटर अर्थ फॉल्ट, तब आपको क्या हो गया, इस इतना वोल्टेज इस रिले के अक्रॉस आपको मिल गया है वोल्टेज, तो ये वोल्टेज ऑपरेटेड है, तो ये वोल्टेज ऑपरेटेड पे आपको ये हमको दिखेगा अलार्म दिखेगा फ्रेंड्स, क्योंकि फर्स्ट स्टेज रोटर अर्थ फॉल्ट है, उसमें आपको अलार्म दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। उस केस में आपको फर्स्ट स्टेज रोटर अर्थ फॉल्ट आ गया, तो आप क्या करना पड़ेगा, अभी आपको सेकंड स्टेज रोटर अर्थ फॉल्ट में इसको एनेबल करने के लिए, ठीक है, एनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको टेस्ट में स्विच करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसको आपको क्या करेगा, सबसे पहले आपको टेस्ट का पोजीशन में इसको स्विच को घुमाना पड़ेगा। इसको टेस्ट का पोजीशन में घुमाने के बाद इसमें आपको व्हीटस्टोन ब्रिज आपको बन गया है फ्रेंड्स। आपको मैं बताया था पहले भी, व्हीटस्टोन ब्रिज का एक लेग ए हो गया था, वाइंडिंग का इतना पार्ट हो गया ग्राउंड का ऊपर, और दूसरा लेग हमारा इस रेसिस्टेंस हो गया हमारा वेरियक का या पोटेंशियोमीटर का, और तीसरा लेग ये रेसिस्टेंस पार्ट हो गया, और चौथा लेग रेस्ट ऑफ द वाइंडिंग हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग इसको ऐसा घुमाएंगे जहाँ आपको इसका गैल्वेनोमीटर, यानी ये तो मिली एम्पियर मीटर है, अगर गैल्वेनोमीटर रहते हैं यहाँ, बहुत ही सेंसिटिव मीटर रहते हैं, जहाँ हमको गैल्वेनोमीटर जीरो रहते हैं उस पोजीशन तक आपको इसको घुमाना है पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। धीरे धीरे आपको इस साइड घुमाओगे, अगर एक साइड आपको घुमाने से आपको रीडिंग बढ़ रहे हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा साइड आपको घुमाना पड़ता है, और जहाँ आपको रीडिंग एकदम जीरो आते हैं, जैसे मेरा रीडिंग यहाँ जीरो आ गया, ठीक है, इस जीरो को पोजीशन पे इस ब्रिज आपको बैलेंस हो गया फर्स्ट रोटर अर्थ फॉल्ट में, तब आप क्या कर सकते हैं, इसको सेकेंडरी स्टेज रोटर अर्थ फॉल्ट के साइड आप इसको घुमा सकते हैं। तब इस केस में आपको ये सिंपल ओवर करंट रिले है 64 F का, इसमें आपको कभी भी इस कंडीशन में आपको नॉर्मली करंट जीरो है, क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है। अगर कोई भी दूसरा अर्थ फॉल्ट हुआ, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपको इसमें अर्थ फॉल्ट का सेकेंड स्टेज रोटर अर्थ फॉल्ट है, तो आपको इस जनरेटर को आपको ट्रिप करना ही पड़ेगा। लाइक मैं आपको बताया था, यहाँ आपको इन केस सेकंड स्टेज रोटर अर्थ फॉल्ट हुआ था, तब क्या होगा, आपका ब्रिज अनबैलेंस हो गया है, तो हमारा ये ओवर करंट रिले क्या होगा, सिंपली ओवर करंट का ऊपर आ जाएगा, बहुत ही सेंसिटिव रिले है, तो हमारा सेकंड स्टेज रोटर अर्थ फॉल्ट में ये हमको मिशन को ट्रिप कर देगा फ्रेंड्स, ये। तो इस मेथड है, अगर एडवांटेजेस देखेगा तो फ्रेंड्स, इस मेथड है बहुत ही सिंपल स्कीम है, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, और ऑपरेटर के लिए भी बहुत ही सिंपल है, इसको सेटिंग करना सब कुछ बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी मेथड है, और ये हमको एक ही मेथड में हमको दोनों अर्थ फॉल्ट कवर हो रहे हैं, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। आपको टू लैंप लैंप का मेथड में देखेगा तो आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेज में आपको डिटेक्ट कर रहे हैं, और उसी में आपको मिशन को बंद करके आपको अटेंड करना पड़ रहा है, लेकिन आपको टू स्टेज मेथड में आपको फर्स्ट स्टेज में आपको अलार्म दिया गया, और सेकेंड स्टेज में आपको इसको सेकेंड स्टेज में आप एनेबल करके आपको सेकेंड स्टेज में आपको मिशन को आप ट्रिप करा सकते हैं। तो इसमें आपको टू दोनों स्टेज का अर्थ फॉल्ट दिया गया था, और जनरेटर को ज़्यादा देर तक चला सकते हैं इसमें, और तीसरे अगर आपको अलार्म में इसको अटेंड कराना है तो जनरेटर को अटेंड करा सकते हैं, और इसमें आपको अटेंड करने के लिए फ्रेंड आपको दोनों मेथड में आपको स्लिप रिंग और ब्रश के अरेंजमेंट तो मैंडेटरी है फ्रेंड। आपको स्लिप रिंग और ब्रश नहीं है तो ये मेथड आप अरेंज ये मेथड पे आपको मतलब आप अरेंज नहीं करा सकते, प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। और इसमें भी आप देखेगा तो दो डिसएडवांटेज हैं, एक डिसएडवांटेज क्या है फ्रेंड्स, इसमें आपको मैनुअल इंटरवेंशन करना पड़ रहा है। एक बार फर्स्ट स्टेज रोटर अर्थ फॉल्ट हुआ, इसमें अलार्म आया, वो अलार्म आने के बाद ऑपरेटर को आकर इसमें इस ब्रिज को आपको बैलेंस करा के इसके बाद सेकंड स्टेज रोटर अर्थ फॉल्ट में इसको डालना पड़ेगा फ्रेंड्स ऑपरेटर को। और उस केस में आपको ऑपरेटर को अगर अनअवेयर है, इसको पता नहीं है, इनके इसको डायरेक्टली सेकंड स्टेज रोटर अर्थ फॉल्ट में डालेगा तो ब्रिज अनबैलेंस है, उस केस में आपको डायरेक्टली मिशन ट्रिप करा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऑपरेटर का इसको अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें मैनुअल इंटरवेंशन है। और तीसरा इसका डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स, इवन फर्स्ट स्टेज रोटर अर्थ फॉल्ट में भी, जैसे यहाँ फर्स्ट स्टेज रोटर अर्थ फॉल्ट है, इनकेस ये हमारा फर्स्ट स्टेज रोटर अर्थ फॉल्ट है, इसकी लोकेशन है, इसका जो पॉट का वेव लोकेशन है, इसकी बेसिस का पोजिशन में यहाँ हुआ है, तो आपको वोल्टेज बैलेंस हो गया है, तो इसमें आपको कभी भी वोल्टेज ही नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। उस केस में उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉट को आपको हमेशा कुछ
फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में, वीकली वंस या नहीं है तो इंडस्ट्रीज में वीकली ट्वाइस है, इसको इसका पोजीशन चेंज करना पड़ता है। इसका पोजीशन जहाँ यहाँ रखा है तो इसका नेक्स्ट वीक में आपको इससे रखना पड़ेगा, इसका नेक्स्ट वीक में आपको यहाँ रखना पड़ेगा, ऐसे इसका पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, सो दैट इसका फर्स्ट स्टेज रोड एक्सपर्ट में इसको ब्लाइंड जोन को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि आप इसको देखेगा तो ये भी हमारा टू लैंप मेथड जैसे ही है, इसमें अगर इसका सेंटर पोजीशन में इसको रखा पॉट को, अगर इनके सेंटर पोजीशन में आकर रोटर एक्सपोल्ट हुआ है तो इसमें आपको वोल्टेज ही नहीं दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज कट ऑफ में आपको वोल्टेज ही नहीं दिखेगा, सेंटर पॉइंट में आपको वहाँ भी आपको वोल्टेज जीरो है, तो इसीलिए आपको इस पोजीशन में आपको हमेशा इसको इसको इधर उधर घूमने से आपको मतलब इसका पोजीशन चेंज करने से फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में आपको ब्लाइंड जोन को इसको अवॉइड करा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा टू स्टेज अर्थ फॉल्ट मेथड है फ्रेंड, लेकिन इसमें भी आपको ब्लाइंड जोन है, लेकिन वो ब्लाइंड जोन को अवॉइड करने के लिए आपको मैनुअल इंटरवेंशन है, ऑपरेटर को फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में इसको चेंज करना पड़ता है। अगर उसको ब्लाइंड जोन को ऑटोमेटिक करना है तो हमारा नेक्स्ट मेथड है फ्रेंड सीरीज नॉन लीनियर रेजिस्टर मेथड है फ्रेंड, इसमें आपको ब्लाइंड जोन को कम्प्लीटली अवॉइड करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपने हमारा पॉट का सीरीज में एक हमारा नॉन लीनियर रेजिस्टर लगाया था, उससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा कभी भी हमारा फील्ड में वोल्टेज में अगर इसमें आपको अर्थ फॉल्ट हुआ तब इस नॉन लीनियर रेजिस्टर इसकी प्रोपोर्शनली वोल्टेज दिखेगा, उसकी वोल्टेज के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस है, ये हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर है, इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो जाएगा, सो दैट आपको इस ब्रिज में आपको ब्लाइंड जोन कभी भी नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि आपको ये वैल्यू ऑफ नॉन लीनियर रेजिस्टर है, वोल्टेज डिपेंडेंट है, जैसा आपको अर्थ फॉल्ट का लोकेशन चेंज होते हैं उसकी वजह से इसका अक्रॉस जो वोल्टेज इम्प्रेस होते हैं वो भी चेंज होते हैं, इसकी वजह से आपको यहाँ आपको कोई भी आपको पीरियोडिकली आपको इस पॉट का लोकेशन चेंज करने का जरूरत नहीं है नॉन लीनियर रेजिस्टर को एक सीरीज में रखने की वजह से, ठीक है। तो इस मेथड में आपको अगर नॉन लीनियर रेजिस्टर एक सीरीज में रखोगे तो फर्स्ट स्टेज में भी आपको यहाँ आपको लगाने का जरूरत नहीं है, नहीं है तो इस मेथड से भी आपको सिंपल इसमें क्या करते हैं फर्स्ट स्टेज में ही आपको आपको ट्रिप करा सकते हैं, या नहीं है तो अलार्म दे सकते हैं, उसमें आपको मशीन को बंद करा सकते हैं, या नहीं है तो इसी मेथड में आप एक नॉन लीनियर रेजिस्टर लगा के इसी को आप टू स्टेज मेथड में आपको बना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा टू स्टेज मेथड है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा मेथड है फ्रेंड्स प्रोटेक्शन बाई एसी इंजेक्शन मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको दो स्लिप रिंग का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, हमको सिंगल स्लिप रिंग चाहिए हमको। इसको हम क्या करते हैं, हमारा जो रोटर का जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है, हमारा फील्ड वाइंडिंग है या हमारा एक्साइटर का थ्रू आ रहे थे रोटेटिंग रेक्टिफायर का थ्रू, हम लोग क्या करते हैं एक फील्ड वाइंडिंग में किसी से भी एक टर्मिनल साइड से आप क्या करते हैं एक वायर टैप करते हैं, और उसमें हम लोग मैं आपको बताया था स्लिप रिंग है, एक स्लिप रिंग है, नहीं है तो यहाँ जो इस साइड का जो स्लिप रिंग है उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं एक हम ब्रश लगा के, और ब्रश का बाद एक कैपेसिटर लगाते हैं हम लोग सिंपल एक वावर करंट, बहुत सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट वावर करंट रिले, मैं आपको बताया था NC64 SA एक रिले लगाएंगे, और उसको हम लोग एक इंजेक्शन वोल्टेज देंगे फ्रेंड्स एक हमारा ट्रांसफार्मर का थ्रू, ठीक है। एक कैपेसिटर इसी के लिए एक फ्रेंड्स, क्योंकि हमको डीसी ब्लॉक करने के लिए, अदरवाइज हमारा क्या होगा इस डीसी वोल्टेज क्या हो सकते हैं इस ट्रांसफार्मर में जा सकते हैं, और इसकी वजह से ट्रांसफार्मर का कोर सैचुरेट हो सकते हैं, हमारा जो इसका जो इंजेक्शन सिस्टम है उसको डैमेज करा सकते हैं, नहीं है तो इसमें डीसी अननेसेसरी इंग्रेस हो जाएगा फ्रेंड्स। उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक डीसी ब्लॉकिंग डायोड दिया गया था। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, नॉर्मल कंडीशन पे हम लोग जो एसी वोल्टेज है हम लोग दे रहे थे इंजेक्शन वोल्टेज, ये एसी वोल्टेज हमको इसमें इंजेक्ट होते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे आइडियली आप बात करेगा तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी अर्थ फॉल्ट नहीं है, बहुत ही हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस है इसके अर्थ फॉल्ट के साथ, तब क्या होते हैं इसमें बिल्कुल करंट नहीं रहता है फ्रेंड्स, ये करंट आपको जीरो ही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि आपको इस साइड कोई भी अर्थ फॉल्ट नहीं है, आपको सर्क्यूट आपको करंट बनाने के लिए आपको सर्क्यूट खत्म होना पड़ेगा, सर्क्यूट कब आपको कंप्लीट होगा इसमें कोई भी अर्थ फॉल्ट हुआ है तो तब आपको अर्थ का थ्रू फिर आपको ये सर्क्यूट कंप्लीट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो जब तक आपको सर्क्यूट अर्थ फॉल्ट नहीं होगा तब तक आपको सर्क्यूट कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको इसमें आपको करंट नहीं दिखेगा, सो आपको ये नॉर्मल कंडीशन पे, लेकिन कभी भी आपको अर्थ फॉल्ट हुआ है तो आपको सर्क्यूट कंप्लीट हो जाएगा, तो हमको इसमें करंट फ्लो होगा, वो करंट का बेसिस में आप इसको एट फॉल्ट प्रोटेक्शन दे सकते हैं।
लेकिन इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें एडवांटेज यही है कि आपको सिंगल ब्रश यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इस रिले को आपको बहुत ही सेंसिटिव लगा सकते हैं, लेकिन उसका रिले का सेटिंग डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स। आपको आइडियली बताया था इसमें हमेशा करंट जीरो रहते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखेगा तो फ्रेंड्स, हमारा जो रोटर का वाइंडिंग है, इसका बीच में जो इंसुलेशन है, और इसके साथ हमारा कोर है, जो हमारा रोटर का कोर है, और रोटर का कोर के और हमारा शाफ्ट को रहते हैं, ये सब की एक कैपेसिटेंस रहते हैं। हमारा जो इंसुलेशन मटेरियल है, हमारा इसका कैपेसिटेंस रहता है, इसका वोल्टेज है, और इसके साथ ग्राउंड का साथ इसका कैपेसिटेंस मिलते हैं। तो इस कैपेसिटेंस की वजह से हमको थोड़ा सा कैपेसिटिव करंट देते हैं नॉर्मल टाइम पे। वो कैपेसिटेंस है फ्रेंड्स लार्ज मशीन्स में, बहुत बड़ा मशीन्स में भी बहुत ही कम कैपेसिटेंस मिलते हैं, ये 0.3 से लेकर 0.7 माइक्रोफेरेडे रहते हैं, क्योंकि इसका हमारा डीसी का हमारा फील्ड वाइंडिंग का वोल्टेज बहुत ही कम वोल्टेज रहते हैं, इसकी वजह से ये कैपेसिटेंस भी बहुत कम रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो हमारा ये कैपेसिटेंस 0.3 to 0.7 या 0.8 तक रहते हैं बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स में भी। तो हमको इस कैपेसिटेंस की वजह से हमारा कैपेसिटिव करंट रहते हैं। और दूसरा कंपोनेंट ऑफ करंट है फ्रेंड्स इसमें, हमारा जो फील्ड वाइंडिंग का, इसका वाइंडिंग का इंसुलेशन, और इसका कोर का, और इसका जो कोर है हमारा शाफ्ट पे लगा हुआ, और शाफ्ट टू हमारा अर्थ है, ये सबका जो इंसुलेशन का बेसिस में डिपेंड करते हैं हमारा लीकेज करंट है। ठीक है, हमारा लीकेज करंट है, इसका पूरा इंसुलेशन सिस्टम का इंटीग्रिटी का ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं आपको पहले वीडियो में फ्रेंड्स, एक हमारा IR और पोलराइजेशन इंडेक्स वीडियो में भी बता गया था, वो हर एक मटेरियल इस दुनिया में इसका रेसिस्टेंस रहता है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस है, उस इंसुलेशन रेसिस्टेंस की वजह से जो हमारा माइक्रो या नैनो एम्पियर जाते हैं, इसको लीकेज करंट बोलते हैं, वो लीकेज करंट भी इसमें रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा दो कॉम्पोनेंट ऑफ करंट हो गया, एक हमारा कैपेसिटिव कॉम्पोनेंट ऑफ करंट है, इसका जो वाइंडिंग का इंसुलेशन और बाकी का कैपेसिटेंस का वजह से है, और दूसरा हमारा इसका जो इंसुलेशन सिस्टम का वजह से हमारा जो लीकेज करंट है, वो दोनों कॉम्पोनेंट है फ्रेंड। हमने जब इस रिले का सेटिंग ऐसे रखेंगे, जब हमको कमीशन करते हैं स्टार्टिंग जनरेटर में, तब हमको जनरेटर को हमको नो लोड टू फुल लोड चलाते हैं, और इस रिले में जो मैक्सिमम करंट जाते हैं नॉर्मल कंडीशन पे, वो करंट है हमारा मैक्सिमम हमारा कैपेसिटिव करंट प्लस मैक्सिमम हमारा लीकेज करंट जो रहते हैं, इसका ऊपर इसका सेटिंग रखना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमको कमीशनिंग के टाइम पे इसको पता चलते हैं, और इसको सेटिंग ये बहुत ही सेंसिटिव रख सकते हैं, लेकिन इस सेटिंग इस करंट वैल्यू को, ये दोनों का करंट नॉर्मल कंडीशन पे जो मैक्सिमम रहते हैं, इसका ऊपर तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो वो सेटिंग आपको स्टार्टिंग कमीशनिंग के टाइम से ही पता चल जाता है फ्रेंड्स। अदरवाइज आप देखेगा तो आप इसको मिली एम्पियर में, 5 mA और इसका ऊपर रखेगा, तो ये क्योंकि ये दोनों कॉम्पोनेंट ऑफ करंट 5 mA के ऊपर कभी भी रहते नहीं है, आप 5 mA और इसका ऊपर रखेगा तो इस सेटिंग सही है, लेकिन आपको आइडियली मतलब आपको एग्जैक्ट रखना है, तो आपको इस करंट है, दोनों कॉम्पोनेंट ऑफ करंट है नॉर्मल कंडीशन पे हमारा मशीन को कितना हो रहे हैं उसको पता करना, मैक्सिमम नॉर्मल कंडीशन में इसका करंट है, उसके लिए आपको लोडिंग वेरी करके जब जनरेटर को कमीशन करते हैं तभी इसको भी आपको नोट करना है, और उस करंट से आपको थोड़ा सा हायर सेटिंग रख के आपको इसको इस प्रोटेक्शन को आप प्रोवाइड करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक ही एडवांटेज है कि ये बहुत सेंसिटिव लगा सकते हैं, लेकिन इसमें दूसरा प्रॉब्लम है फ्रेंड, इसमें आप देखेगा तो फ्रेंड हमारा जनरेटर का जो शाफ्ट है, जनरेटर का आप देखेगा तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले वीडियो पहले में भी बताया था, जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग है हमारा, जनरेटर का रोटर का फील्ड वाइंडिंग है हमारा, रोटर का कोर में रहते हैं, और रोटर कोर है हमारा शाफ्ट में रहते हैं फ्रेंड्स, और रोटर कोर और शाफ्ट का बीच में कोई भी इंसुलेशन नहीं रहता है फ्रेंड्स, लेकिन हमारा जनरेटर का वाइंडिंग है, हमारा फील्ड वाइंडिंग है रोटर का, और रोटर का फील्ड वाइंडिंग और रोटर का कोर का बीच में इंसुलेशन रहते हैं, लेकिन रोटर कोर टू हमारा शाफ्ट में कोई इंसुलेशन नहीं रहते हैं, और रोटर का शाफ्ट को हम लोग कहीं पे भी आप देखेगा तो इंटेंशनली कहीं पे ग्राउंड नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आप इसको ग्राउंड करना है तो एक ब्रश का थ्रू लगाना पड़ेगा, या नहीं है तो ऐसा कोई अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये हमारा शाफ्ट है हमारा कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं, आप डायरेक्टली इसको अगर वाइंड एक अर्थपिट का थ्रू आप अर्थिंग इसमें लगाएगा तो वो वायर टूट जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा ये रोटेट हो रहे हैं ये हमारा शाफ्ट को।
हमारा शाफ्ट रोटेट हो रहे हैं, तो आपको अगर इसको लगाना है तो एक ब्रश का थ्रू लगाना पड़ेगा। ब्रश को भी आप डायरेक्टली लगा नहीं सकते, इस शाफ्ट का थ्रू लगाना है तो इस शाफ्ट में एक ब्रश लगा के आप उस ब्रश में, ब्रश का थ्रू उस ब्रश का आउटपुट को आप ग्राउंड लगा के ग्राफिट में, तभी आपको इस शाफ्ट को आप ग्राउंड लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको, अगर कोई शाफ्ट के अरेंज में, शाफ्ट में आपको ब्रश का थ्रू आप ग्राउंडिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कोई ग्राउंडिंग ब्रश बोलते हैं इसको, अगर उस ग्राउंडिंग ब्रश आपको पास है ही नहीं है, तब आपको डिफॉल्ट आपको मीडियम क्या है फ्रेंड्स, इस शाफ्ट को हमारा, इस शाफ्ट का हमारा शाफ्ट और हमारा जो बॉडी है, हमारा जनरेटर का शाफ्ट, हमारा बॉडी है, बीच में हमारा एक ही पार्ट हमारा सपोर्टिंग पार्ट है, वो हमारा बेयरिंग्स है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि हमारा बेयरिंग्स हम लोग यूज़ करते हैं इसका सपोर्टिंग के लिए, तो बेयरिंग्स हमारा सपोर्टिंग मेम्ब्रेन है। तो आपको शाफ्ट और हमारा बॉडी है, हमारा जनरेटर बॉडी और हमारा अर्थ डे ऑलरेडी, ये बीच में हमारा जो बेयरिंग्स रहते हैं, वो बेयरिंग्स में हमारा एक थिन ऑयल फिल्म रहते हैं, और उस ऑयल फिल्म का थ्रू ही हम लोग इसको ग्राउंडिंग मान सकते हैं। लेकिन ये ऑयल ऑयल फिल्म में हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है फ्रेंड्स, अब देखेगा तो ऑयल फिल्म में बहुत ही इंसुलेटिंग मटेरियल है, और वो ऑयल फिल्म का थ्रू जो हमारा करंट जा रहे हैं, सॉरी फ्रेंड्स, जो ऑयल फिल्म का थ्रू हमारा करंट जाते हैं, इन केस ऑफ फॉल्ट कंडीशन में भी, अगर इन केस इसमें अर्थ फॉल्ट हुआ तब भी आपको इसमें ऑयल फिल्म में अगर आपको करंट जाना है, तो उस ऑयल फिल्म में आपको करंट या नहीं है तो इस जाने के लिए आपको डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स, ये ऑयल फिल्म के अक्रॉस कितना वोल्टेज इंप्रेस हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, और वो वोल्टेज बेसिकली इस ऑयल का, जो हमारा लुब्रिकेशन ऑयल का क्वालिटी का ऊपर डिपेंड करते हैं, और लुब्रिकेशन ऑयल का प्यूरिटी का ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वो प्योर ऑयल है तो इसका बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज चाहिए उसको, मतलब कंडक्ट करने के लिए। और नेक्स्ट डे इस ऑयल फिल्म जो हम लोग बन रहे हैं, इसका थिकनेस का ऊपर भी डिपेंड करते हैं, और इसका बेयरिंग का, इसका सरफेस एरिया का ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर ये बहुत बड़ा बेयरिंग है, इसका एरिया ज़्यादा है, तब भी हमको ये डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको तब आपको चांसेस ज़्यादा हैं ये ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करते हैं, ए सी इंजेक्शन मेथड में आपको कोई अर्थ ब्रश नहीं लगाया तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वो ए सी वोल्टेज को, आपको वोल्टेज सोर्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा, सच दैट ये ऑयल फिल्म में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, इन केस अर्थ फॉल्ट हुआ है तो, या नॉर्मल कंडीशन पे भी इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हमको इसमें करंट दिखेगा, नहीं अदरवाइज आपको क्या होगा, इन केस यहाँ अर्थ फॉल्ट भी हुआ, अर्थ फॉल्ट हुआ है तो भी ये हमारा शाफ्ट तो ग्राउंडेड नहीं है, तो आपको यहाँ आपको करंट फिर भी नहीं जाएगा। ये ग्राउंड तभी होगा, ये हमारा शाफ्ट और हमारा बॉडी है, क्योंकि ये हमारा ग्राउंडिंग है, बाहर का ग्राउंडिंग है फ्रेंड्स। इवन हमको यहाँ अर्थ फॉल्ट हुआ है तो भी इसका शाफ्ट का साथ होगा ये, ठीक है। शाफ्ट तो हमारा बॉडी बाहर का साथ ग्राउंडेड नहीं है, लेकिन हमारा बॉडी, हमारा जनरेटर का बॉडी हमारा बाहर ग्राउंडेड है, ठीक है। इसीलिए आपको हमारा शाफ्ट और हमारा बाहर का बॉडी है, इसको आपको ग्राउंडिंग करने के लिए आपको इस ऑयल फिल्म को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, या नहीं है तो इसको, इसका ऊपर एक ब्रश लगा के ये हमारा बॉडी का ग्राउंडिंग का साथ ही इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर अर्थ ब्रश नहीं है, जहाँ आपको अर्थ ब्रश दिया ही नहीं है, तब आपको इस ऑयल को ब्रेक करने के लिए हमको इसका इंजेक्शन वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी इस मेथड से आपको अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसका वोल्टेज अगर बढ़ा दिया तो तब आपको क्या होगा फ्रेंड्स, अगर इसका वोल्टेज, इंजेक्शन वोल्टेज बढ़ा दिया तो इसका जो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा फ्रेंड्स। मैं आपको पहले बताया था इसका जो कैपेसिटी कंपोनेंट ऑफ करंट है वो वोल्टेज के हिसाब से डिपेंड करते हैं, अगर वोल्टेज बढ़ गया है तो इसका कैपेसिटेंस कॉम्पोनेंट ऑफ करंट भी वो भी बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी वजह से इसका रिले का सेटिंग भी आपको, अभी इसका सेंसिटिविटी उतना नहीं रख सकते आप, इसका सेटिंग भी बढ़ाना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो और दूसरा इसका प्रॉब्लम है फ्रेंड, अगर आप जहां आप ऑयल को अगर ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल को ब्रेक करेगा तो इसका क्या करते हैं, ऑयल के ऊपर से आपको जो करंट जा रहे हैं, इसकी वजह से आपको बेयरिंग का लाइफ को ये ख़त्म कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए आपको ऐसे मेथड आपको यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स, तो आपको एक डेडिकेटेड ब्रश लगाना पड़ता है, अर्थ ब्रश से। वो ब्रश भी आप कैसे लगाते हैं फ्रेंड, इनकेस आपका जनरेटर का स्लिप रिंग है, अगर वाइंडिंग हम लोग इस साइड से ले रहे हैं तो ब्रश इसका ऑपोजिट साइड रहते हैं। आप कभी भी आपको अर्थ ब्रश देख लीजिए फ्रेंड जनरेटर में, आप नॉर्मली केस में आप देखेगा तो हमारा फील्ड वाइंडिंग का स्लिप रिंग्स और ब्रश इस साइड रहेगा तो, और जनरेटर का अर्थ ब्रश से इसमें कोई स्लिप रिंग नहीं रहते हैं, वो ब्रश को आप डायरेक्ट शाफ्ट में लगाते हैं वो ऑपोजिट साइड रहते हैं फ्रेंड, जो हमारा फील्ड वाइंडिंग जहाँ से टैप किया था इसकी ऑपोजिट साइड रहते हैं, सो दैट मैक्सिमम एरिया को आप कवर कर सकते हैं,
है, इन केस आपको जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग का ब्रश यहाँ है, आप यहीं पर ही अर्थ ब्रश ले रहे हो तो वो आपको इतना ही पार्ट करा सकते हैं, अगर इसके अंदर में भी कोई अर्थ पार्ट है तो वो कवर नहीं कर सकते, इसीलिए आपको अगर फील्ड ब्रश यहाँ है तो आपको अर्थ ब्रश आपको इससे लगाना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे एक अर्थ ब्रश लगा के आप क्या कर सकते हो, वो अर्थ एक एक ब्रश लगा के वो ब्रश को आप ग्राउंडिंग करने के प्रॉपरली ग्राउंडिंग करा के आप इस शाफ्ट को आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं। जैसे इस शाफ्ट को ग्राउंड कर दिया तो वो शाफ्ट और कोर तो कनेक्टेड ही है, आपस में कोई इंस्पिरेशन नहीं है, सो इस कोर भी आपको ग्राउंडेड है, तो कभी भी आपको इनकेस हमारा रोटर वाइंडिंग है कोर के साथ शॉर्ट होते हैं या ग्राउंड होते हैं तो तब आप इस रिले के थ्रू आप इसको पकड़ सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, नॉर्मल कंडीशन पे इस ब्रश पे कभी भी आपको करंट आएगा नहीं है, और इस ब्रश का हेल्दीनेस भी आपको कभी पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये ब्रश का कभी भी आपको ब्रश से कोई भी ब्रश से आप शाफ्ट को ऊपर लगाते हैं, वो ब्रश का जब इसमें अंदर करंट जाता ही नहीं है तब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर है कार्बन डिपॉजिट हो जाते हैं और इसका जो ब्रश का रेजिस्टेंस है बहुत ही बढ़ जाते हैं। अगर इसका ब्रश का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है तो ये ना के बराबर है फ्रेंड्स, ये ब्रश नहीं लगाया तब भी हमको बहुत ज़्यादा इंसुलेशन है इसका बॉडी के साथ, क्योंकि ऑयल फिल्म की वजह से अगर इसका ब्रश रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया कार्बन डिपॉजिट की वजह से, इस ऑयल फिल्म से भी ज़्यादा हो गया तो ये ब्रश लगाने का मतलब ही नहीं है और ब्रश का जो पर्पज़ ही डिफीट हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए ब्रश को फ्रीक्वेंसी में इसको साफ़ करना, इसका कार्बन डिपॉजिट डिलीट करना या इसका ऊपर CRC मारना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करेंगे तो ये हमको ब्रश से ना की बराबरी होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ब्रश को आप मॉनिटर करना बहुत ही मुश्किल रहते हैं। तो इसीलिए आपको अगर रोड ब्रश जहाँ लगाया है इसका फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना और इसका ऊपर CRC मारना बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा DC इंजेक्शन मेथड है, और तीसरा नेक्स्ट मेथड है फ्रेंड्स हमारा DC इंजेक्शन मेथड है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक AC इंजेक्शन का बदला हम लोग DC कर रहे हैं, इसमें यही एडवांटेज है फ्रेंड्स, हम लोग को क्या करते हैं, हमको एक कैपेसिटिव कंपोनेंट ऑफ करंट है हमारा वो नहीं रहेगा, वो जीरो रहते हैं DC कंपोनेंट DC इंजेक्शन में। तो इसको रिले का सेटिंग आप AC इंजेक्शन से भी थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव रख सकते हैं आप, और इस वोल्टेज को आप जो हमारा फील्ड का पोलैरिटी है इसका ऑपोजिट रखने से आप इसको ब्लाइंड जोन भी आपको अवॉइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हमारा फील्ड वाइंडिंग का अगर इसका प्लस इस साइड है और माइनस इस साइड है, आपको DC को इसका ऑपोजिट है, जैसे अभी मैंने किया था ये माइनस में आपको प्लस का साइड लगाया था और माइनस का साइड आप ग्राउंड किया, इसका ऑपोजिट पोलैरिटी में दिया गया था, इसकी वजह से आपको ब्लाइंड जोन नहीं रहते हैं और आप इस सेटिंग को आप बहुत सेंसिटिव भी लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा DC इंजेक्शन मेथड है। सो इसमें आपको क्या होता है हमारा, इसमें भी हमारा पूर्व ग्राउंड पाथ का हाई इंपेडेंस बेयरिंग की वजह से ये भी परसिस्ट होते हैं, उसमें भी आपको जहाँ DC इंजेक्शन मेथड है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको अर्थ ब्रश नहीं है तो उस केस में भी जो आपको पहले AC इंजेक्शन मेथड है, सिर्फ आपको इंजेक्शन मेथड चेंज हो रहे हैं लेकिन बाकी प्रॉब्लम्स तो वही है, इसको जो रिटर्न पाथ मिलना है तो अगर आपको लोड ब्रश है तो लोड ब्रश का थ्रू आएगा, मतलब लोड ब्रश नहीं आपको अर्थ ब्रश है तो, या आपको अर्थिंग किया था वो ब्रश है तो उसका थ्रू आएगा, नहीं है तो आपको ऑयल फिल्म का थ्रू आएगा, ऑयल फिल्म ब्रेक करने के लिए जो आपको DC करा है वोल्टेज देना है उसकी प्रोपोर्शनली देना है, लेकिन जहाँ आपको अर्थ ब्रश नहीं है वहाँ आपको यही मेथड यूज़ करना पड़ता है फ्रेंड्स, बेयरिंग्स का लाइफ कम हो जाते हैं, लेकिन आपको रोटर अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ऐसा करना ही पड़ता है फ्रेंड्स, मजबूरी है, क्योंकि इसको अगर आप डिटेक्ट नहीं करोगे तो इसकी वजह से जो डैमेज है बहुत ही ज़्यादा होता है बेयरिंग से भी, ठीक है। सो ऐसे हमको DC इंजेक्शन का मेथड का थ्रू हम लोग रोटर अर्थ फॉल्ट को हम डिटेक्ट करा सकते हैं और आइसोलेट करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है फ्रेंड्स IR मॉनिटरिंग बाय न्यूमेरिकल रिले फ्रेंड्स। अभी हमारा बहुत एडवांस रिले आया था उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हमारा ये पूरा हमारा न्यूमेरिकल रिले है फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल रिले का अंदर ही है, इसमें दो रेसिस्टर्स रहते हैं और दोनों रेसिस्टर्स को आप चाहिए तो ये हमारा फील्ड वाइंडिंग प्लस में लगा सकते हैं और दूसरा हमारा माइनस में लगा सकते हैं, या नहीं तो दोनों को शॉर्ट करके हमको कोई एक प्लस या माइनस में किसी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा एक हमारा RM रहते हैं हमारा,
ये हमारा टेस्ट वोल्टेज टेस्ट रेसिस्टेंस है और इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज के बेसिस में ही हमारा ऑपरेट होते हैं। ये हमारा बाहर से हमारा जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग मैं आपको बताया फ्रेंड्स, फील्ड वाइंडिंग में जो हमारा कैपेसिटेंस इफेक्ट है, ये हमारा ये कैपेसिटेंस है, मतलब ये हमारा फिजिकल कैपेसिटर और फिजिकल रेसिस्टर नहीं है, वर्चुअल है। जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है, जो हमारा इंसुलेशन रेसिस्टेंस है, ये हमारा इंसुलेशन रेसिस्टेंस है और ये हमारा कैपेसिटिव कैपेसिटेंस है। मैं आपको बताया था जो हमारा इस इनकेस ऑफ कोई भी इंजेक्शन मेथड में आपको जो करंट है वो दो कंपोनेंट रहते हैं, एक हमारा कैपेसिटेंस की वजह से इस कंपोनेंट की वजह से और दूसरा हमारा इसका इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस की वजह से इस कंपोनेंट की वजह से। तो ये दोनों को रखते हैं और इसमें हम लोग स्क्वेयर वेव इंजेक्ट करते हैं फ्रेंड, और इसको आप देखेगा तो फ्रेंड्स इनकेस इसमें स्क्वेयर वेव इंजेक्ट कर दिया तो ये हमारा टेस्ट वोल्टेज है। अगर इनकेस आपको यहाँ आपको फील्ड वाइंडिंग में एकदम जीरो है, मतलब फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एकदम जीरो, मतलब शॉर्ट हो गया ग्राउंड का साथ, तब क्या होगा फ्रेंड्स, ये आर ई जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये आर ई डिपेंड करते हैं हमारा जो फील्ड वाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर फील्ड वाइंडिंग है हमारा कोर का साथ टच हो रहा है, इसका इंसुलेशन फेल हो गया, तब आर ई जीरो है। आर ई जीरो है तो इसका अक्रॉस वोल्टेज जीरो है, तो आपको जो भी आपको वोल्टेज दे रहे हैं यू एच है, जो वोल्टेज दे रहे हैं वही वोल्टेज आपको यहाँ मेजर करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा टेस्ट वोल्टेज है, ये हमारा यूएच है, हमको यही वोल्टेज हमको मेजर कर रहे हैं, सेम वोल्टेज हमको यहाँ आ जाएगा तब हम डिटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इनकेस आपको आर ई इन्फाइनेट है फ्रेंड्स, मतलब आइडियल केस में क्या होगा, यही केस होगा, हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस है इन्फाइनेट है आइडियल केस में, तब हमको ओनली कैपेसिटेंस मिलेगा और कैपेसिटेंस में जो हमारा वोल्टेज मिलते हैं वो हमको ऐसे मिलते हैं फ्रेंड्स, एक्सपोनेंशियली राइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्क्वेयर वेव है, हमारा कैपेसिटेंस है धीरे 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 धीरे, हमारा कैपेसिटेंस है स्क्वेयर वेव में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा कैपेसिटेंस वोल्टेज तो सडनली चेंज नहीं होगा, ये कैपेसिटेंस के अक्रॉस धीरे 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 वोल्टेज ऐसे बढ़ते हैं और यहाँ हमारा पूरा वोल्टेज चार्ज होते हैं, इसके बाद जब नेगेटिव में आते हैं नेगेटिव में भी ऐसे धीरे धीरे होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर इसको आप माइनस करोगे तो तब आपको बनते हैं ये वेव फॉर्म है इसमें, क्योंकि ये वोल्टेज हमारा मेजर्ड वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज माइनस इसका वोल्टेज है फ्रेंड्स। अगर ये हमारा इन्फाइनेट है तो हमको कैपेसिटिव वोल्टेज क्या होगा, ऐसा वेव फॉर्म होगा। सो स्क्वेयर फॉर वेव फॉर्म में ऐसा वोल्टेज माइनस करेगा तो ये वोल्टेज बनेगा ऐसा बनेगा, ठीक है। सो वो वोल्टेज हमको यहाँ मेजर होगा और ये वोल्टेज का आप देखेगा तो इनकेस आर ई इन्फाइनेट है तो ये एकदम जीरो हो जाएगा, लेकिन आर ई अगर फाइनेट है कुछ 40 किलो ओम या 30 किलो ओम है तो ये हमको ऊपर ऑफसेट रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये ऑफसेट है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा रेजिस्टेंस का ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली इस ऑफसेट का बेसिस में ये रिले ऑपरेट होते हैं और इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, सिंपली हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस है का ऑफसेट का बेसिस में हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। इस केस में हमारा जीरो है, ऑफसेट बहुत ज़्यादा है, इस केस में हमारा ऑफसेट बहुत कम है, इसको प्रोपोर्शनली 40 किलो ओम रहते हैं। तो ऐसा कैलिब्रेट करके इस रिले में देते हैं। इस रिले में क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग दो सेटिंग रखते हैं। फर्स्ट स्टेज हमने बहुत ज़्यादा इंसुलेशन रेजिस्टेंस रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग फर्स्ट स्टेज में हमने रखा था 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम का नीचे आया तो ये फर्स्ट स्टेज आते हैं। जैसा फर्स्ट स्टेज आया इसके बाद हमने किलो ओम में रखा, ये तो दोनों किलो ओम में रहते हैं फ्रेंड्स, हम लोग डिपेंड्स ऑन हमारा सिस्टम का बेसिस में, आप किलो ओम में अगर दोनों को रखा है तो एक 40 किलो ओम फर्स्ट स्टेज का और 20 किलो ओम सेकंड स्टेज का रखा है, तो अगर 40 किलो ओम को ऊपर इनकेस 40 किलो ओम का नीचे अगर इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस आ गया, मतलब इसका ऑफसेट 40 किलो ओम ऐसा आ गया, तब हमको फर्स्ट स्टेज का अलार्म आएगा और वो अलार्म को अटेंड इसको मशीन को बंद करके आप अटेंड किया तो ठीक है, नहीं है तो हमको सेकंड स्टेज तक ये पहुंचने का चांस है, सेकंड रोटर फॉल्ट पहुंचने का चांस है। तब आपको सेकंड रोटर फॉल्ट हुआ अगर 20 किलो ओम का नीचे आया इसका रेजिस्टेंस, तब क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारा सिंपली ये मशीन को हमारा ट्रिप कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उस केस में भी हमको न्यूसेंस ट्रिपिंग अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा आप याद रख लीजिए फ्रेंड्स, कभी भी आपको रोटर में अर्थ फॉल्ट होते हैं सेकंड स्टेज का अर्थ फॉल्ट, तब आपको डेफिनेटली इसका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा जनरेटर का। तो इसीलिए आपको हमेशा इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, आईआर मॉनिटरिंग में बेटर रिलायबिलिटी के लिए फर्स्ट स्टेज अलार्म आया, ठीक है, अलार्म को तो आपको कोई इंटरलॉक नहीं रहते हैं, लेकिन जब सेकंड स्टेज अगर 20 किलो ओम इसका सेटिंग है सेकंड स्टेज है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेज है 40 किलो ओम का नीचे आया, फर्स्ट स्टेज का अलार्म आ गया और सेकंड स्टेज है 20 किलो ओम है, ये 20 किलो ओम का नीचे आया और जनरेटर में हमारा
वाइब्रेशन का अलार्म है वो हमारा 12.5 है, यानी ये तो 0.5 इंच पर एमएम इंच पर सेकंड रहते हैं। अगर हमारा जनरेटर का 0.5 इंच पर सेकंड है, अगर इसका ऊपर आएगा तो हमारा जनरेटर का अलार्म रहते हैं। डिपेंड्स ऑन जनरेटर का बेसिस में, इसका मैन्युफैक्चरर जो देते हैं उसकी बेसिस में। सो बेसिकली अगर आपको उसका वाइब्रेशन का अलार्म आया और हमारा जनरेटर का हमारा सेकेंड अर्थ फॉल्ट भी आया, सेकेंड स्टेज भी ऑपरेट हुआ, तब भी हमको इस जनरेटर को ट्रिप करेगा। अगर इसमें सेकेंड स्टेज का अर्थ फॉल्ट का आ भी गया तो अगर वाइब्रेशन नहीं है, तब तक वाइब्रेशन नहीं है जब तक हमको जनरेटर में रिस्क नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन जब हमको रोटर में अर्थ फॉल्ट होते हैं तब हमको ऑब्वियसली कुछ पार्ट ऑफ द वाइंडिंग बाईपास हो जाते हैं, उसकी वजह से हमको अनबैलेंस हो जाता है रोटर का फील्ड। इसकी वजह से ऑब्वियसली आपको जनरेटर में वाइब्रेशन दिखेगा फ्रेंड्स, मैकेनिकल इफेक्ट है, वाइब्रेशन दिखेगा। तो वाइब्रेशन के साथ इंटरलॉक लगा के इस प्रोटेक्शन को आप बहुत रिलायबल बना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के बारे में फ्रेंड्स।